हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और लॉजिकल ट्रिक, मोलरिटी मास बाय वॉल्यूम परसेंट और मास मास परसेंट में। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और आपको ये जो ट्रिक मिल रही है वो ज़बरदस्त ट्रिक मिल रही है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही ट्रिक्स आपको बहुत सारी आपको मेरे वीडियोस के अंदर मिलते रहेगी, और मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करें मोलरिटी मास बाई वॉल्यूम परसेंट और मास 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 परसेंट, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट और मोलरिटी के बारे में। तो देखिए, आपने अगर पढ़ा हो तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट का जो फॉर्मूला था वो पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय मास परसेंट आपको, जिसको वेट बाय वेट परसेंट भी आप कह सकते हो, ये पढ़ा होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या पढ़ा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मोलरिटी जो आपने पढ़ी होगी वो ये पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन पर लीटर, या आपने पढ़ा होगा मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या इसको आपने पढ़ा होगा मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। देखो ये कुछ फॉर्मूले आपने इन तीनों के पढ़े होंगे, किसमें, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और मोलरिटी का। अब देखिए मैं इन तीनों के बीच में कैसे रिलेशन बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना है मास बाय वॉल्यूम और मोलरिटी के बीच में। देखो तो पहला जो रिलेशन बता रहा हूँ वो मोलरिटी या मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मोलरिटी के बीच में रिलेशन। अब देखिए मोलरिटी क्या है वो अपन जानते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, यही पढ़ा था अपन ने, यही पढ़ रखा आप लोगों ने। अब सुनिए, देखो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ क्या, मास अपॉन, देखो क्या कह रहा हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 100 इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये लिख सकता हूँ, मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, ये लिख सकता हूँ। अब देखो जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है वो यही होता है क्या, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हो गया भैया अपने पास मोलरिटी और मास बाय वॉल्यूम परसेंट में रिलेशन, आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहा हूँ, मोलरिटी अपन जानते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml होता है, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 क्या लिख सकता हूँ, 100 इनटू 10 लिख सकता हूँ, और ये मोलर मास केस है। तो और इस मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 को अपन जानते हैं क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया मोलरिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन बात करते हैं मास बाय मास की। अब सुनिए भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये अपन जानते हैं। देखो अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अच्छी तरह से पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अब सुनिए भैया, अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखोगे, बिल्कुल यही लिखेंगे। आप सुनिए भैया, यहाँ जो आप देख रहे हो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ, तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा, क्या कह रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस मोलरिटी के अंदर, देखो सुनिए भैया, इस मास ऑफ सॉल्यूशन का अगर मैं रख दूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सुनिए, आपने एक तो पढ़ा होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूएंट का जो सम है, एडिशन है, उसको अपन ने क्या कहा होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कहा होगा, ठीक है। एक अपन मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन,
बिल्कुल है। अब सुने भैया, अगर मैं इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ रख दूँ, देखो समझिएगा, मेरे पास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, ये अपने पास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट है। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर इस वॉल्यूम की जगह ये रख दूँ, ये देखिए भैया, तो मेरे पास क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन, देखो भैया ये समझना इसको, ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये हो गया ऐसे वॉल्यूम, ऐसे कैसे रख दिया मैंने, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल ये तो हो गया ये। अब अपने पास क्या बच रहा है, इनटू 100 बच रहा है, क्या यही बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, इसको रफ कर रहा हूँ एक बार में। देखिए अपने पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट कह दो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, यह बहुत शानदार ट्रिक है, ध्यान रखना, इनटू डेंसिटी इनटू 100 हो गया। देखो यही बन रहा है अपने पास, देखो फटाफट से देखो, चेक करो एक बार, ठीक है। अब सुनिए भैया, मॉडरेटी देखो, मेरे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंट है, तो इस मास बाई वॉल्यूम परसेंट को जो मैंने निकाल लिया, अगर मैं उसकी वैल्यू को यहाँ रख दूँ, तो फिर मेरे पास मॉडरेटी मास बाई मास परसेंट में सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे, देखो मॉडरेटी अपने पास क्या थी, वापस देखिए भैया, मॉडरेटी अपने पास क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही था। आप सुनिए भैया, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, रखें, चलिए क्या आएगा, देखो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू डेंसिटी इनटू 100 इनटू 10, यही है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यही थी अपने पास। अब सुनिए भैया, इस डेंसिटी को मैं इधर ले लूँ, और इस 100 को इधर ले लेता हूँ, समझ रहे हो, लो साहब ये मैंने डेंसिटी को इधर ले लिया, ये तो आ गया 100, और इधर ले लिया मैंने डेंसिटी को, इधर ये लीजिए डेंसिटी, ठीक है। अब देखो गौर से, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 को अपन ने क्या कहा था, मास बाई मास परसेंट कहा था। ये थी अपने पास मोलरिटी, तो मोलरिटी इज़ इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया मास अपॉन मास परसेंट, इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो शॉर्टली क्या लिख रहा हूँ, कि जो मोलरिटी है वो मेरे पास आ गया मास बाई मास परसेंट, इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, कई बुक्स में आपको ये मिलेगा एक्स परसेंट के रूप में, कई जगह लिख रखा है, कहीं बुक्स में आपको मिलेगा, तो इसको शॉर्टली लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो बात समझ में आई होगी, तो तीनों के रिलेशन बन गए अपने पास, मास बाय वॉल्यूम और मोलरिटी में रिलेशन बन गया, मोलरिटी और मास बाय मास परसेंट के बीच में रिलेशन बन गया, मास बाय मास परसेंट डेंसिटी भी इंक्लूड हो गई, और एक मोलरिटी और एक मास बाय वॉल्यूम में रिलेशन बन गया। इस तरह से आपके अगर कोई न्यूमेरिकल्स अगर मास बाय मास परसेंट दे दें और मोलरिटी पूछ ले डेंसिटी गिवन हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे दिया जाए और आपसे मोलरिटी पूछे, तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी वे में आप उस इस ट्रिक को अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और भी बच्चों के पास इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।